नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़वानी के विद्यार्थियों को व्यावसायिक परीक्षाओं हेतु बड़े महानगर जाना पड़ता, जो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है। यहां से छात्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे जगहों पर परीक्षा देने जाते हैं, जिसमें विभिन्न समस्याएं जैसे आवागमन, आवास और भोजन और आर्थिक समस्याएं आती है। बड़वानी जिला लगभग 80% जनजाति बाहुल्य जिला है, जहाँ अलीराजपुर, खरगोन, झाबुआ के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। हजारों विद्यार्थी ग्रामीण अंचलों से आते हैं, लेकिन व्यावसायिक परीक्षाओं का केंद्र महानगरों में होने के कारण पिछड़ रहे हैं। विगत 2 माह पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा बड़वानी में इस समस्या का निदान करने हेतु एक परीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, लेकिन परीक्षा केंद्र स्थापित होने के बावजूद भी वर्तमान परीक्षाओं, पटवारी, आबकारी, वन रक्षक, शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि किसी भी परीक्षा फॉर्म में बड़वानी परीक्षा केंद्र नहीं आ रहा है, जबकि इन परीक्षाओं में 90,000 से 80,000 विद्यार्थी बड़वानी जिले के शामिल हो रहे हैं। बड़वानी से धर्मेंद्र केवट, न्यूज 21। हाँ, छात्रों के द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन एग्जामों का सेंटर बड़वानी में बनाए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया हुआ है। इसके संबंध में पीजी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम सब तैयार है। कुछ ट्रांसफार्मर लगाया जाना है, जो कि प्रक्रियाधीन है, जल्द ही वो भी लग जाएगा। और सेंटर यहाँ पे बनाए जाने के संबंध में वरिष्ठ स्तर से पे चर्चा चल रही है, जल्द ही यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम सेंटर भी बन जाएगा। क्या नाम है? बादल गिरा से है। आज धरना प्रदर्शन किया गया, कारण क्या है? परीक्षा केंद्र खुलाने की मांग को लेकर स्टूडेंट बहुत ही भारी मात्रा में आए थे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था कारंजे चौराहे पे। बहुत सारे स्टूडेंट थे और फिलहाल तहसीलदार भी आए थे, एडीएम साहब आए। हमने 1 घंटा यहाँ बैठा, प्रदर्शन किया धरना प्रदर्शन का। जल्दी हमारी मांगों को लेकर आए थे हम। जो बड़वानी में खोला गया था सेंटर, अब उद्घाटन कर दिया गया पर अभी तक उसका चालू नहीं किया गया, इसी मांगों को लेकर हम आए थे। सेंटर के कौन सा काम है? ये अपने पीजी कॉलेज। फिर क्या हुआ? तहसीलदार और एसडीएम साहब आए थे और एसडीएम साहब ने बताया है कि उसका हम निराकरण जल्दी ही करेंगे, उसको लेकर आए थे।